तेलंगाना तक केजरीवाल के घोटालों की आहट। केसीआर की बेटी कविता हुई गिरफ्तार। ईडी ने लिया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। अपने पानी को नहीं छोड़ा, दारू को भी नहीं छोड़ा। पानी का काम पिताजी करे, दारू का काम बेटी जी ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। दिल्ली का शराब घोटाला ना हो गया, भाई साहब केजरीवाल के गले की फांस हो गया। ना उगले बन रहा है, ना निगले बन रहा है। खुद तो किसी पेपर पर केजरीवाल जी साइन करते हैं नहीं, इसीलिए बचे हुए हैं, लेकिन बाकी सारे नेता इसी खौफ के साए में जी रहे हैं कि कब कौन सी फाइल खुल जाए और हम नप जाए। ईडी और सीबीआई की टीम भी कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कट्टर ईमानदारों की असलियत सामने लाकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, दिल्ली शराब घोटाले की आंच दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर तेलंगाना तक पहुंच गई है। ईडी ने ऐसा एक्शन लिया कि 1500 किलोमीटर दूर से के कविता को गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई। सीबीआई और ईडी फुल एक्शन मोड में है, इसीलिए इनकी जांच के दायरे में बड़े बड़े राजनेता आ गए हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया गया है। के कविता को गिरफ्तार करते ही उनकी टीम तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने की सारी तैयारियां कर चुकी है। के कविता की पार्टी बीआरएस के नेता सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, तत्काल सुनवाई की मांग भी करेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के शराब घोटाले में के कविता किस तरह से फंसी। हुआ ये कि इस मामले में ईडी सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, आप जानते ही हैं। ऐसे में इस मामले में फंसे एक आरोपी जिसका नाम अमित अरोड़ा है, उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान के कविता का उसने नाम ले लिया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जांच एजेंसी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि साउथ ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा इस नाम को, साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी थी जिसमें विजय नायर के जरिए आपके कई नेताओं को 100 करोड़ का भुगतान किया गया। बात करें अगर अमित अरोड़ा की, तो उसने रिमांड के दौरान ये खुलासा किया था कि आपके नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत मिली। इसके बाद सीबीआई की टीम 11 दिसंबर को हैदराबाद पहुंची। कविता के घर पर भी पूछताछ हुई। 22 दिसंबर को सीबीआई ने जो चार्जशीट सौंपी, उसमें दावा किया गया कि कविता के मालिकाना हक वाले ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी। अब साउथ ग्रुप के बारे में आपको बता देते हैं। ये दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का एक ग्रुप है। इसमें के कविता भी शामिल है। इसी साउथ ग्रुप ने आपको 100 करोड़ रुपए दिए थे, ऐसा आरोप है। इसी ग्रुप को लीड करता था बुच्ची बाबू, जो के कविता का अकाउंट संभाला करता था। बहरहाल आपको बता दें, जिस वक्त ईडी के अधिकारियों ने के कविता को गिरफ्तार किया, उस वक्त उनकी काफी बहस हुई। बहरहाल अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को राहत मिलती है या फिर वो भी इस जांच में फंसती है। बाकी बीजेपी को शराब नीति घोटाले में फंसे इन नेताओं पर तंज कसने का अच्छा खासा मौका मिल गया। तभी तो हैदराबाद से ओवैसी को लोकसभा चुनावों में टक्कर देने जा रही माधवी लता ने मजे लेते हुए कहा कि पिता ने पानी नहीं छोड़ा, बेटी ने दारू को नहीं छोड़ा। माधवी लता का बयान सुन, आपने पानी को नहीं छोड़ा, दारू को भी नहीं छोड़ा, तो आप ऐसा करोगे काम तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा साहब। पानी का काम पिताजी करे, दारू का काम बेटी जी ने किया है, तो हमको क्या लेने देना है। ईडी को पता चल गया, आईटी को पता चल गया, जो उनको सजा देना है वो दे रहे हैं। अब किस प्रकार से इसको ड्रामा कर सकते हैं? अरे नुकसान तो हमारा हुआ है, धर्म के रास्ते पे चलकर भाजपा को नुकसान हुआ है। 2023 में जब कविता का अरेस्ट नहीं हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर सबने क्या ताना मारी है कि हमारा भाजपा का हाथ था, हालांकि हमारा हाथ था ही नहीं उसमें। इस देश में जब जब जिस जिसने प्रजा का पैसा खाकर अगर गलत काम करते हैं, आज ना कल धर्म अपना जवाब देकर ही रहेगा। इस गलती करने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष, यहाँ पे न्याय मिलने के लिए या गलती को बाहर निकालने के लिए या उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट देने के लिए कोई जेंडर बायस नहीं, यानी औरत और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जब स्त्री आगे बढ़कर हर मायने में अपने आप को डॉक्टर्स, इंजीनियर, पॉलिटिशियन बनना चाहती है, तो स्त्री का धर्म बनता है कि वो न्याय से धर्म करें, पालन करें। अगर आप इसको छोड़कर आप इस प्रकार के स्कैम्स करते रहोगे तो तब तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए। तो सजा थोड़ी देखती है पुरुष है स्त्री है। बीआरएस पार्टी इसको इलीगल कह रही है क्योंकि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी अरेस्ट किया गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर है और उनका रोड शो चल रहा है, उसी दौरान एमएलसी कविता को अरेस्ट किया गया है, उसको इलीगल बताया। सर मैं एक बात बताती हूँ आपको, जहाँ उन्होंने आज तक
ओल्ड सिटी में, मैं मुद्दा यहाँ तक लेके आती हूँ, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में आपने फ्लाईओवर्स नहीं डाली है, तो ये गलत काम नहीं है? गलत काम नहीं, आपने गलत काम नहीं किया है, आपने तो एक के पीछे एक के पीछे एक गलत काम किया है। आपने जब वो डैम बनाया है पूरे टूट रहा है वो, ये गलत काम नहीं है? जब आप गलत काम करोगे, आपने पानी को नहीं छोड़ा, दारू को भी नहीं छोड़ा, तो आप ऐसा करोगे काम तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा साहब, तो भुगत रहे। पानी का काम पिताजी करे, दारू का काम बेटी जी ने किया है, तो हमको क्या लेना देना? ईड को पता चल गया, आईटी को पता चल गया, जो उनको सजा देना है वो दे रहे हैं। अभी तोड़ी कोई ये देख के आएगा आपके घर कि आपने क्या उनको कोई काम दाम नहीं है? ईडी को और आईटी को क्या इतना आसान है ये बात? कोई कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है किसी के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा लेकर? इतना आसान है क्या? प्रजा सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं? ये सब प्रूव हो चुके हैं, इसीलिए इतना वक्त लगा उनको कि सही मायने में सारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन करे, और जब सारा मिल गया उनको प्रूफ, वो लोग अरेस्ट कर लिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रहा है कि ये टाइमिंग के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में ये एक ड्रामा है, उनका स्टेटमेंट तो उस वो ड्रामा से कांग्रेस को क्या लेना देना है? अभी दूसरी बात कहती हूँ, आप किस प्रकार से इसको ड्रामा कह सकते हैं? अरे नुकसान तो हमारा हुआ है, धर्म के रास्ते पे चलकर भाजपा को नुकसान हुआ है। 2023 में जब कविता का अरेस्ट नहीं हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर कि सबने क्या ताना मारी है कि हमारा भाजपा का हाथ था, हालांकि हमारा हाथ था ही नहीं उसमें, क्योंकि ये जो काम ईडी और आईटी कर रहे हैं ये अलग डिपार्टमेंट है, जिसमें किसी का दखलंदाजी का कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमने नहीं किया है उसका ये लोग बात को बतंगड़ बने हैं। अभी उसी बात को जब आईटी वाले और ईडी वाले आकर उनका अरेस्ट करते हैं, फिर से ये लोग बोलेंगे कि ये भाजपा मिला हुआ है यहाँ पर। अरे यार कुछ तो सही बात करो, दुनिया देख रहा है आपको, दुनिया सुन रहा है आपके हर बात को। ऐसा काम करेंगे आप, विजय माल्या को भी कहां छोड़ा है इस दुनिया ने? इस देश में जब जब जिस जिसने प्रजा का पैसा खाकर अगर गलत काम करते हैं, गलत रास्ते लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रजा का मिलने वाला धन आप गलत तरीके से कमाने की कोशिश करोगे, आज ना कल धर्म अपना जवाब देकर ही रहेगा। अरे साहब, बीआरएस के अधिनेता केसीआर साहब के बेटे स्वयं केटीआर साहब ने कहा है हमारा कार गैराज में चले गया है, तो गैराज से क्या कार ठीक हो गई क्या? जो धरना करने निकले हैं इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने सारे गलतियां कर चुके हैं कि जीवन भर वो कार गैराज में ही पड़े रहेगी और कभी रिपेयर नहीं होगी। फिलहाल अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। आपने पानी को नहीं छोड़ा।